एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल उस आदमी ने उसे गाली भी दी दरअसल दिया था लेकिन उसने सोचा की वह आदमी गो अन्ना का दोस्त था हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने गो अन्ना को थप्पड़ मार दिया अगर आदमी किसी अजनबी को थप्पड़ मारता तो वह इसमें शामिल नहीं होती लेकिन गो अन्ना आखिरकार उसके दोस्त की दोस्त थी इसलिए वह अलग नहीं रह सकती थी इसलिए काव्या तुरंत उठ खड़ी हुई वह कुछ नहीं बोली उनकी ओर बढ़ती हुई जूकिन्न और अन्य लोगों ने सोचा कि वह महिलाओं के कमरे में जा रही है इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गो अन्ना इतना क्रोधित थी कि उसने पास की मेज पर रखी एक बोतल उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी के सिर पर दे मारी हालांकि गो अन्ना कमजोर दिखती थी लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर महिला नहीं थी इसके बजाय जब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा तो वह वापस लड़ेगी किसी ने नहीं सोचा था कि गो अन्ना उस आदमी पर हमला करने वाला था और उस आदमी को सीधे सिर पर मारा गया था जोरदार टक्कर के साथ बोतल टूट गई और उस आदमी के सिर से तुरंत खून बहने लगा हर कोई हैरान था और ध्वनि ने जू किन्न के समूह का भी ध्यान आकर्षित किया धत तेरी की अन्ना खतरे में है जू किन्न ने खड़े होकर कहा फिर गो अन्ना के पास भागा उसके बाद जियांग रोइकिन और तांग क्विंग्यांग आए क्या आप ठीक हो उस आदमी के दोस्त भी उसके पास दौड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की वह आदमी नाराज हो गया और उसने गोअन्ना पर हमला कर दिया हालांकि जब उसने अपना हाथ उठाया ही था कि एक दुबली दुबलिप्तली खूबसूरत लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया लड़की बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन ठंडी भी थी जिससे वह डर गया इसके अलावा यह लड़की इतनी ताकतवर थी कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था बिना देर किए काव्या ने उस आदमी की कलाई तोड़ दी और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी वह आदमी अचानक गो अन्ना के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया इस दृश्य ने बार में सभी को फिर से चौंका दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लिन को मारने की लॉर्ड लिन के दो दोस्त काव्या पर हमला करने की कोशिश में आगे बढ़े लेकिन ज्ञान रुइकिन और तामक्विंद्यांग ने उन्हें रोक दिया मुझे जाने दो उन्होंने संघर्ष किया और जोर जोर से बहस की लेकिन ज्ञान रुइकिन और तामक्विंद्यांग के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सके क्या हुआ जू किनियन ने चिंता से पूछा उस आदमी ने मुझे एक शॉट पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और मैंने मना कर दिया इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मार दिया गो अन्ना ने गुस्से में कहा वह गो परिवार में पैदा हुई थी और किसी ने भी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की राजधानी में गो नामक केवल एक अति अमीर परिवार था यह सुनकर और गो अन्ना के चेहरे पर हथेली का निशान देखकर जू किन्निन गुस्से में थी उसने उस आदमी को कई थप्पड़ मारने में संकोच नहीं किया और कहा तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो इसे रोक क्या आप जानते हैं कि वह कौन है वह है उस व्यक्ति के एक दोस्त ने जू किन्न को रोकने की कोशिश की हालांकि जूकिन्न ने अधीरता से उसे रोका और तिरस्कार के साथ कहा मुझे परवाह नहीं है इतना कहकर उसने उस आदमी को एक और थप्पड़ मारा इस समय लड़ाई सुनने के बाद सोमनान उनके पास चला गया सोमान अगर आप आज लॉर्ड लिन का समर्थन नहीं करते हैं तो आपका बार बंद कर दिया जाएगा उस व्यक्ति का एक अन्य मित्र जो तथाकथित लॉर्ड लिन था ने स्पष्ट अहंकार के साथ कहा जैसे वह राजा हो इसके बजाय सोमनान ने उसे नजरअंदाज कर दिया उसने उस आदमी की ओर उदासीनता से देखा और कहा लॉर्ड लिन इतने अहंकारी मत बनो आपकी वजह से आपके परिवार को सजा मिल सकती है नान ने उन्हें यह नहीं बताया कि गो अन्ना कौन था लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि गो अन्ना एक ऐसे परिवार से आया था जो उनके परिवारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था यह सुनकर लॉर्ड लिन के दो दोस्तों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया जहां तक लॉर्ड लिन की बात है उनमें अब विरोध करने की ताकत नहीं थी उसे अस्पताल भेजो अगर वह मुझसे बदला लेना चाहता है तो मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूँ सौंग नान ने कहा लॉर्ड लिन के दोस्तों ने उसे खड़ा होने के लिए सहारा दिया फिर भाग निकले गु अन्ना ने कुछ नहीं कहा लेकिन अपने दोस्तों के पीछे पीछे अपनी सीटों पर चली गई बार में मौजूद अन्य ग्राहक भी शराब पीते रहे और संगीत का आनंद लेते रहे उन्हें आराम देने के लिए सौंग नान ने सभी को बीस की छूट दी हालांकि जू किन्न और उसके दोस्त थोड़ी देर बाद बार से चले गए जब फिर बार से बाहर निकले तो अभी जल्दी नहीं थी इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें घर जाना चाहिए कारों में जू किन्यन और गो अन्ना ने यहाँ अपनी कारें खुद चलाई हालांकि उन्होंने शराब पी थी लेकिन उन्होंने ज्यादा शराब नहीं पी थी इसलिए वे अकेले ही घर चले गए मैं तुम्हें घर भेज दूंगा जू किन्यन ने काव्या से कहा हालांकि इससे पहले कि काव्या जवाब दे पाती जियान रोइकिन ने पहले कहा मैं मिसको के समान समुदाय में रहती हूँ यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको घर ले जा सकता हूँ मिसको बिल्कुल नहीं धन्यवाद काव्या को नहीं पता था कि जियान रुईकिन दूर से उसकी प्रशंसा करता है इसलिए वह सहमत हो गई महान जू ने कहा उसके बाद काव्या के साथ जियान रुईकिन की कार में बैठ गई मिस गु आप किस हाई स्कूल में पढ़ रही हैं ज्यान रुईकिन ने पूछा हालांकि वह अभी भी काव्या के बारे में ज्यादा नहीं जानता था लेकिन उसके बारे में खबरें पढ़ने के बाद उसे उसकी उम्र का ध्यान आया सिटी एफ में नंबर तीन हाई स्कूल काव्या ने कहा सिटी एफ आप राजधानी में नहीं रह रहे यह सुनकर जियान रुईकिन को आश्चर्य के साथ साथ निराशा भी हुई अगर काव्या राजधानी में नहीं रहती तो वह उससे अक्सर नहीं मिल पाता हाँ काव्या ने उत्तर दिया आपका लक्ष्य कौन सा कॉलेज है जियान रुकिन ने फिर पूछा द कैपिटल यूनिवर्सिटी काव्या ने कहा यह सुनकर जियान रुईकिन शांत हो गए जब तक काव्या राजधानी में रहेगी उसके पास उससे मिलने के अधिक मौके रहेंगे ओह हम फोन नंबरों का आदान प्रदान क्यों नहीं करते यदि आपको राजधानी में कोई परेशानी आती है तो आप मदद के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं आखिरकार आप किन् के दोस्त हैं इसलिए आप मेरे भी दोस्त हैं जियांग रुईकिन ने दयालुता से कहा वह शांत लग रहा था लेकिन वास्तव में बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर था कि काव्या उसे अस्वीकार कर देगी तांग क्विंग्यांग जो जियांग रुईकिन के करीबी दोस्त थे ने भी देखा कि जियांग रुईकिन को काव्या पसंद थी जब वे पहली बार मिले थे तो उन्होंने जियांग रुईकिन को किसी लड़की के प्रति इतना दयालु और सौम्य व्यवहार करते कभी नहीं देखा था जरूर मुझे अपना फोन नंबर बताओ काव्या सहमत हो गई क्योंकि जियांग रुईकिन जियांग ज्यांग का पोता था और वह भविष्य में उससे मिलेगी यह सुनकर जियांग रुईकिन अंततः शांत हो गए फिर काव्या को अपना नंबर बताया काव्या ने उसे फोन किया फिर तुरंत फोन काट दिया श्री टैंग हम फोन नंबरों का भी आदान प्रदान क्यों नहीं करते काव्या ने तांग क्विन्यान का नंबर मांगने की पहल की क्योंकि वह जानती थी कि वह उसके साथ सहयोग करने जा रही थी हालांकि जियांग रुईकिन परेशान महसूस कर रहा था और यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या काव्या को तांग क्विंग्यांग पसंद है तांग क्विन्यांग का भी यही विचार था इसलिए वह झिझके हालांकि उसने सोचा था कि काव्या बहुत आकर्षक थी लेकिन जब उसे पता चला कि ज्यांग रोइकिन उसे पसंद करती है तो उसने हार मान ली हालांकि उसे काव्या को अस्वीकार करने में शर्म आ रही थी इसलिए वह सहमत हो गया काव्या को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे हैं अगर उसे पता होता तो वह उन्हें समझाती कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जियांग रुकिन ने तांग क्विन्यांग से पूछा क्विन्यांग आप कंपनी में कब काम करना शुरू करेंगे कल तांग क्विंग्यांग ने कहा क्या आप इसके लिए तैयार है जियांग ने पूछा हाँ तांग क्विंग्यांग ने हल्के से कहा हालांकि वह शांत लग रहा था काव्या को लगा कि वह काफी तनाव में है हालांकि तांग क्विंग्यांग ने इसे जोर से नहीं कहा काव्या समझ गई कि वह युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहा है कुछ ही देर में काव्या को पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा है उसने अपनी जेड आंखों का उपयोग किया और उनके पीछे कार में एक परिचित चेहरा देखा वह उससे अपने पिछले अवतार में मिली थी वह व्यक्ति लगभग तीस के दशक का था और टैंग बिंगसेन के लिए काम करता था काव्या ने उसे अपने पिछले अवतार में कई बार देखा था बिना किसी संदेह के काव्या समझ गई कि उसे तांग क्विंद्यांग का पीछा करना था हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था कि तांग बिंगसेन ने उसे तांग क्विन्द्यांग का पीछा करने के लिए क्यों भेजा था काव्या को वास्तव में उसका असली नाम नहीं पता था लेकिन सभी लोग उसे लाओ गुई कहते थे इसके अलावा लाओ गुई लड़ने में बहुत अच्छे थे हालांकि काव्या उससे डरती नहीं थी उसे चिंता थी कि तांग क्विंग्यांग उसका मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए काव्या को कुछ तो करना ही था श्री जियांग आपका ड्राइविंग कौशल कैसा है काव्या ने पूछा इतना खराब भी नहीं जियांग रोकिन ने सोचा कि काव्या सिर्फ़ उसके साथ बातचीत कर रही थी वह नहीं जानता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है काव्या ने कहा क्या आप हमारे पीछे काले ओ आर एक ऑफ रोड वाहन को देख सकते हैं यह काफी समय से हमारा पीछा कर रहा है मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या यह सुनकर ज्यांग रुगिन और तांगक्विन्यांग दोनों आश्चर्यचकित हुए फिर अप्रसन्न हुए तांग क्विन्यांग ने पीछे मुड़कर देखा एक कार उनके पीछे पीछे आ रही थी हालांकि उन्होंने कई मोड़ लिए थे फिर भी कार उनका पीछा कर रही थी इस समय उन्हें यकीन था कि कोई उनका पीछा कर रहा है मुझे लगता है कि मैं ही निशाना हूँ तांग क्विंगयान ने कहा हालांकि उसने इसे संदेह के साथ कहा था लेकिन उसे पूरा यकीन था कि निशाना वही था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अब बहुत खतरनाक स्थिति में था काय करते जियांग रुकिन ने गहरी आवाज में पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उससे छुटकारा पा सकते हो यदि आप नहीं है तो मुझे करने दीजिए काव्या ने गंभीर चेहरे के साथ कहा जियांग रुकिन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव झलक उठा मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं क्या आप कर सकते हैं उसे काव्या की क्षमता पर संदेह नहीं था लेकिन वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था मैं कर सकती हूँ काव्या ने आत्मविश्वास से कहा जब से जियान रोइकिन को पता चला कि काव्या ने क्या किया है उसके मन में काव्या की बहुत प्रशंसा हुई और उसने उस पर भरोसा किया कोई बात नहीं पहले मुझे इसे सड़क के किनारे रोकने दो इतना कहकर उसने गाड़ी रोक दी जब वे रुके तो उनके पीछे वाली कार भी रुक गई सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था अगर काव्या ने उन्हें नहीं बताया होता तो ज्यान रुईकिन और तांग क्विंगयांग ने शायद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होता उनके संदेह को जगाने से बचने के लिए मिस्टर टैंग कृपया पानी की कई बोतलें खरीदने जाए मिस्टर जियांग आप कार में रह सकते हैं और सीधे पीछे की सीटों पर जा सकते हैं और मैं आपकी जगह ले लूंगी काव्या ने कहा कोई बात नहीं जियांग रोइिन और तांग क्विंगयांग सहमत हुए और कार्रवाई करना शुरू कर दिया टांग क्विंगयांग जो सामने वाले यात्री की सीट पर बैठा था कार से बाहर निकला और पास के एक सुविधा स्टोर की ओर चला गया उसी समय जियांग रोयिन ड्राइवर की सीट से पीछे की सीटों पर चले गए और उनकी जगह काव्या ने ले ली कुछ ही देर में तांग क्विंगयांग वापस आ गया और फिर से कार में बैठ गया लाओ गुई को पीछे से कोई बदलाव नजर नहीं आया बाद में काव्या ने उन्हें तैयार रहने के लिए याद दिलाया और फिर उसने कार स्टार्ट कर दी शुरुआत में उसने इसे नियमित गति से चलाया फिर अचानक इसे तेज़ कर दिया जब बहुत अधिक ट्रैफ़िक हो तो उसने गाड़ी धीमी करने की भी जहमत नहीं उठाई और वह हमेशा सड़क पर अन्य कारों से आगे निकलने में माहिर थी सड़क पर अन्य वाहन चालकों ने देखा कि एक काली निजी कार यातायात के बीच तेज गति से आसानी से चल रही थी वे कसमसाते रहे लेकिन मानना पड़ा कि काली निजी कार का ड्राइवर सचमुच कुशल था जियांग रोयकिन और तांग क्विंग्यांग दोनों हैरान थे यहां तक कि लाओगुई भी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें खोज लिया गया है यह सोचकर लाओगुई ने पीछा करना बंद कर दिया कहीं ऐसा न हो कि वह खुद को बेनकाब कर दे आखिरकार उसे केवल तांग क्विन्यांग का अनुसरण करने और यह देखने का आदेश मिला था कि तांग क्विन्यांग क्या कर रहा था और तांग क्विन्द्यांग किसके साथ घूम रहा था अभी उसे तांग क्विंग्यांग पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी यह देखकर कर की लाओ गुई ने पीछा करना बंद कर दिया काव्या और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए लेकिन आगे नहीं सोचा लाओ गुई ने जैसे ही तांग क्विन्द्यांग का पीछा करना बंद किया उन्होंने तांग बिंगसेन को फोन किया और बताया कि अभी क्या हुआ था उस समय टैन बिंगसेन एक बड़े घर में अपनी मालकिन तियान फेफी के साथ यौन संबंध बना रहा था टांग बिंगसेन आखिरकार एक बूढ़ा आदमी था और उसका शरीर पहले से ही खराब हो गया था जबकि तियान फेफी युवा और आकर्षक थी हालांकि उसे पैसे और प्रसिद्धि के लिए अपना शरीर बेचना पड़ा और यहां तक कि जब तांग बिंगसेन ने उसे खुश करने के लिए उसमें प्रवेश किया तो उसने संभोग सुख का नाटक भी किया टैन बिंगसेन अब पचास के दशक के अंत में थे और उनकी ताकत आसानी से खत्म हो गई थी पुरुष हमेशा बिस्तर पर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते थे और यह स्वीकार करने से इनकार करते थे कि उनकी उम्र बढ़ रही है इसलिए भले ही तांग बिंगसेन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह पहले से ही बूढ़ा था और ताकत से बाहर था फिर भी वह नहीं चाहता था कि उसकी महिलाएं उसका तिरस्कार करें हालांकि ठीक इसी समय टांग बिंगसेन का फोन बजा वह बाधित होने से क्रोधित था लेकिन वह जानता था कि यह कुछ महत्वपूर्ण होगा अन्यथा जब वह खाली होता तो उसके अधीनस्थ उसे फोन करने की हिम्मत नहीं करते इसलिए यद्यपि टैंग बिंगसेन अप्रसन्न थे फिर भी उन्हें इसे लेना पड़ा इसके बजाय तियान फेफी को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह हमेशा तांग बिंगसेन के साथ बिस्तर पर अभिनय करती रहती थी वास्तव में उसने सोचा कि उसका एजेंट टैंग बिंगसेन से कहीं बेहतर था तियान फेफी ने अपने एजेंट के साथ गुप्त यौन संबंध बनाए रखा लेकिन टैंग बिंगसेन के कारण उसे प्रेमी रखने का अधिकार नहीं था यदि टैंग बिंगसेन को पता चला कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बना रही है तो वह उसे प्रताड़ित करने के बाद उसे छोड़ देगा हालांकि तियान फेफी को इसकी चिंता नहीं थी अगर वह आदमी उसका एजेंट था वैसे भी टैंग बिंगसेन ने उसे व्यक्तिगत रूप से एजेंट सौंपा था और एजेंट टैंग बिंगसेन के प्रति बहुत वफादार था सिवाय इसके कि वह गुप्त रूप से अपनी मालकिन के साथ सो रहा था इसलिए टैंग बिंगसेन ने उस पर बहुत भरोसा किया एजेंट को यह भी स्पष्ट रूप से पता था कि तांग बिंगसेन सिर्फ सेक्स के लिए तियान फेफी को भुगतान कर रहा था अगर टैंग बिंगसेन का इरादा तियान फेफी से शादी करने का होता तो वह उसके साथ सोने की हिम्मत नहीं करता तियान फेफी को भी इस बात का डर नहीं था कि उसका एजेंट उनके रहस्य को उजागर कर देगा क्योंकि एक बार उजागर होने के बाद तांग बिंगसेन निश्चित रूप से अपने एजेंट को बच निकलने नहीं देगी इसलिए तियान फेफी और उसके एजेंट ने एक खतरनाक रहस्य साझा किया और इसके कारण उन्हें एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ी क्या तांग बिंगसेन बहुत अप्रसन्न लग रहे थे अगर सेक्स के दौरान कोई भी व्यक्ति टोका जाए तो वह खुश नहीं होगा लाओ बुई को भी इसका एहसास हुआ इसलिए वह अधिक सतर्क थे बॉस ऐसा लगता है कि उसने मुझे देख लिया और अचानक तेजी से आगे बढ़ गया इसलिए मैंने पीछा करना बंद कर दिया क्या उसने तुम्हें नोटिस किया यह सुनकर तांग बिंगसेन क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसने तांग क्विन्यांग को हल्के में लिया है तांग बिंगसेन ने लाओ गुई से तांग क्विन्यांग को देखते रहने के लिए कहा लेकिन इस बार उन्हें अधिक सावधान रहना पड़ा उसके बाद टैंग बिंगसेन ने अपने कपड़े पहने और घर जाने वाला था बॉस घर जाने से पहले स्नान करना मत भूलना तियान फेफी ने उसे याद दिलाने के लिए कहा कि उसकी पत्नी उसे न पहचाने यह सुनकर टैंग बिंगसन तुरंत बाथरूम की ओर चला गया उसी समय काव्या और अन्य लोग हाउसिंग एरिया में पहुंचे काव्या ने कार को हाउसिंग एरिया में जोन सी के सामने तक चलाया लेकिन उसने लेंग शाउटिंग के घर के ठीक सामने कार नहीं रोकी क्योंकि वह उन्हें यह बताने को तैयार नहीं थी कि वह कहां रहती है जियांग रोइकिन समझ गया और उसने आगे नहीं पूछा श्री जियांग मिस्टर टैंग मुझे घर भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलविदा काव्या कार से बाहर निकली आपको हमें श्रीमान कहने की जरूरत नहीं है आखिरकार अब हम दोस्त हैं जियांग रोइकिन ने काव्या के करीब होने की कोशिश करते हुए कहा जरूर अलविदा रोइकिन और क्विंग्यांग काव्या ने कहा फिर चली गई जियांग रोइकिन ड्राइवर की सीट पर वापस बैठ गया और उसने तब तक कार स्टार्ट नहीं की जब तक काव्या उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई क्या क्या वह आपके प्रकार की है तांग क्विंग्यांग ने मजाक किया हालांकि यह एक प्रश्न था उत्तर उसे पहले से ही पता था जियांग रुईकिन ने ईर्ष्या से कहा मुझे लगता है कि वह मुझसे ज्यादा आप में रुचि रखती है बिल्कुल नहीं तांग क्विंग्यान ने कहा उसने आपका फोन नंबर मांगा जियांग रुईकिन एक मृत अंत में चला गया शायद उसने सोचा होगा कि आपके साथ केवल फोन नंबरों का आदान प्रदान करना असभ्यता होगी तांग क्विंग्यान ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा यह सुनकर जियांग रुईकिन ने सोचा कि यह उचित था इसलिए उसने शिकायत करना बंद कर दिया जब काव्या घर पहुंची तो उसने केको राजधानी में टैंक बिंगसेन और टैंक परिवार की जांच करने के लिए कहा शहर के केंद्र से दक्षिणी उपनगरों के पास एक विला में जब टैन बिंगसेन घर पहुंचे तो उन्हें बहुत थकान महसूस हुई और उनकी पत्नी जी येजिंग अभी भी जाकर लिविंग हॉल में टीवी देख रही थी वह वास्तव में टैन बिगसन के घर आने का इंतजार कर रही थी जी जीयिजिंग तांग याकसिन की जैविक मां थी जिसने तांग ऐनिंग की जैविक माँ की जगह ले ली थी और तांग बिंगसेन की दूसरी पत्नी बन गई थी वह पहले से ही पैंतालीस साल की थी लेकिन अपनी उम्र से बहुत कम दिखती थी जी येजिंग ने काम नहीं किया और वह जो कुछ कर रही थी वह अपनी उपस्थिति का अच्छा ख्याल रख रही थी फिर भी टांग बिंगसेन ने उसे कई बार धोखा दिया था दरअसल जी यिजिंग को पता था कि तांग बिंगसेन की रखेले भी है लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह भी कभी उसकी रखेल रह चुकी थी वह यह भी जानती थी कि वह उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती और अब वह अपने विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले रही है हालांकि अगर कोई प्रेमपूर्ण बच्चा होता तो वह बच्चे को मारने के लिए सब कुछ करती तांग बिंगसेन को अंदर आते देख जी तुरंत खड़े हो गए और घर में उनका स्वागत किया नमस्ते मैंने आपके लिए कुछ चिकन सूप बनाया है सोने से पहले कुछ खा लो बहुत बढ़िया तांग बिंगसेन ने कहा फिर मेज की ओर चला गया जी येजिंग ने तुरंत उसके लिए चिकन सूप परोसा चिकन सूप पीने के बाद वे बिस्तर पर जाने के लिए ऊपर चले गए जब आधी रात हुई तो काव्या को लेंग शाउटिंग का फोन आया लेंग शाउटिंग उसे आधी रात को परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन उसने इस समय अपना काम पूरा कर लिया था और उसे कॉल करने के लिए एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता था मैं राजधानी में आपके घर पर हूँ काव्या ने कहा महान मैं अभी वापस आऊंगा लेंग शाउटिंग ने कहा लेकिन उन्होंने उसे सही समय नहीं बताया काव्या ने सोचा कि लेंग शूटिंग कल दोपहर को वापस आ जाएगी हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने सुबह चार बजे पहली मंजिल से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी उसने सोचा कि शायद यह कोई चोर होगा लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक विचार आया क्या शूटिंग वापस आ गई है यही सोचते हुए काव्या नीचे की ओर भागी जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंची ही थी तो उसने लिविंग रूम में लेंग शाउटिंग को खड़ा देखा जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को कितना याद करते हैं इस समय काव्या के पास यह बताने के लिए शब्द नहीं थे कि वह अब कितनी उत्साहित थी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रातों रात वापस आएगा लेंग शूटिंग को काव्या की इतनी याद आती थी कि वह उसे देखने के लिए एक पल भी इंतज़ार करने को तैयार नहीं था अगले ही सेकंड लेंग शाउटिंग ऊपर की ओर बढ़ा और काव्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया निगनिंग निंग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया लेंग शाउटिंग ने उसके कान के पास कहा और उसे उसकी गर्म सांसों से उत्तेजना महसूस हुई काव्या ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी गर्दन को गले लगा लिया और प्यार से उसकी ओर देखा शूटिंग मुझे भी तुम्हारी याद आती है कितना लेंग शाउटिंग ने पूछा और वह तेजी से सांस लेने लगा तुम जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा काव्या ने कहा और सीधे उसके होठों को चूम लिया बेडरूम तक जाते जाते उन्होंने बेथाशा चुंबन किया और फिर कुछ ही सेकंड में एक दूसरे को निर्वस्त्र कर दिया जब लेंग शाउटिंग ने काव्या को बिस्तर पर दबाया तो उसने अचानक उसकी छाती पर चोट देखी और चौंक गई उसे अच्छी तरह याद था कि उसने यह चोट पहले कभी नहीं देखी थी हालांकि उसका रंग काफी हल्का हो गया था और वह पुरानी चोट की तरह लग रही थी लेकिन काव्या को पता था कि यह नहीं थी काव्या बिना कुछ कहे लेंग शाउटिंग के सीने पर लगी चोट को घूरते हुए रो पड़ी उसके दिल में उसके लिए बहुत दर्द हुआ यह देखकर लेंग शाउटिंग को पता चल गया कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकता निंग निंग, रो मत मैं अब ठीक हूं चिंता मत करो उसने तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए कहा यह पहली बार था कि काव्या लेंग शाउटिंग के सामने रोई थी और उसे सचमुच पता नहीं था कि उसे अब क्या करना चाहिए उसने बस उसके चेहरे से आंसू पोंछ दिए काव्या ने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि लेंग शूटिंग का काम खतरनाक था और कुछ चोटे लगना अपरिहार्य था यही कारण था कि उन्होंने लेंग शाउटिंग को पावर क्रिस्टल की बोतलें दी थी हालांकि वह अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि वह बुरी तरह घायल हो गया था काव्या परिणाम की कल्पना नहीं कर सकती थी अगर उसने उसके लिए पावर क्रिस्टल तैयार नहीं किए होते या उसके पावर क्रिस्टल खत्म हो गए होते इसके अलावा चोट सीधे उनके सीने पर लगी थी यह बहुत खतरनाक चोट रही होगी यदि उसके दिल में गोली लगी होती तो वह मर सकता था चाहे उसने कितने भी पावर क्रिस्टल लिए हो पावर क्रिस्टल का प्रभाव उसकी शक्ति से बमुश्किल तुलनीय था यदि लेंग शाउटिंग वास्तव में नश्वर खतरे में थी तो वह सीधे उसके शरीर में अपनी शक्ति डालकर ही उसकी जान बचा सकती थी निंगनिंग निंग, लेंग शूटिंग अधिक चिंतित थी क्योंकि काव्या चुप रही लेकिन पूरे समय रोती रही वह जानता था कि उसकी छाती पर चोट देखकर काव्या का दिल टूट गया था इसलिए उसने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वह अब ठीक है उसे यह भी दोषी महसूस हुआ कि काव्या उसके लिए रोई वह घायल भी नहीं होना चाहता था लेकिन वह सिर्फ एक इंसान था यदि यह संभव होता तो वह किसी युद्ध या भीषण बंदूक लड़ाई में बिल्कुल भी घायल नहीं होना चाहता ताकि काव्या को चिंता न हो काव्या के उदास होने पर उसे भी दोहक होता था काव्या ने थोड़ी देर बाद रोना बंद कर दिया और लेंग शाउटिंग की चोट को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और चुपचाप अपनी शक्ति उसके शरीर में डाल दी हालांकि पावर क्रिस्टल लेने के बाद लेंग शाउटिंग ठीक थे फिर भी काव्या चाहती थी कि उनकी चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए हालांकि काव्या ने सिर्फ चोट के अंदरूनी हिस्से को ठीक किया और लेंग शाउटिंग के संदेह को जगाने से बचने के लिए उसकी सतह को वैसा ही छोड़ दिया चूंकि यह पहले ही हो चुका था इसलिए काव्या ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी लेकिन उसे अगली बार सावधान रहने की याद दिलाई अगली बार तुम्हें अपनी सुरक्षा अच्छे से करनी होगी मैं करूंगा मैं वादा करता हूं लेंग शाउटिंग ने कहा फिर भी काव्या को मन ही मन दुख हुआ क्योंकि वे दोनों जानते थे कि यह झूठ है जब तक वह विशेष बलों में सिपाही था वह खतरे के साथ जी रहा था अगली सुबह जियांग रुईकिन काव्या का मुठभेड़ करने के लिए सुबह छह बजे दौड़ने के लिए उठ गया यदि तांग क्विंग्यांग तो तांग्यांग को अपने साथ आने से भी मना कर दिया दुर्भाग्यवश पूरी सुबह उसने काव्या को नहीं देखा जिससे वह निराश हो गया वह काव्या को फोन करना चाहता था लेकिन डर था कि वह उसे परेशान करेगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे और परिचित नहीं थे इसलिए उसे अब उसे कॉल करने में शर्म आ रही थी जियांग रोयकिन को पहले कभी किसी बात का डर नहीं था लेकिन काव्या से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया चूंकि काव्या अनुपस्थित थी जियांग रोयकिन अधिक देर तक नहीं भागी और जल्द ही घर चली गई क्या हुआ आप बहुत परेशान लग रहे हैं तांग क्विंग्यान ने जियांग रोईकिन से पूछा हालांकि उसके पास पहले से ही जवाब था कुछ नहीं जियांग रोयकिन ने झूठ बोला अच्छा चूंकि जियान रुईकिन यह कहने को तैयार नहीं था तांग क्विंगयांग ने आगे नहीं पूछा लेंग शाउटिंग को अपने कार्य के कारण लंबे समय से अच्छा आराम नहीं मिला था इसलिए उन्हें लंबी गहरी नींद आई वह सुबह नौ बजे तक नहीं उठा और काव्या अभी भी अपने मीठे सपनों में थी उसने अपनी प्यार भरी निगाहें काव्या पर जमा दी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो काव्या थोड़ी देर बाद उठी और जब लेंग शाउटिंग ने सीधे उसे देखा तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई उम्मा मुझे थोड़ी भूख लगी है काव्या ने कहा क्या आप मैं मदद करता हूँ लेंग शाउटिंग ने बुरी मुस्कान दिखाई और काव्या पर दबाव डाला अरे काव्या ने उसे दूर धकेल दिया मुझे खाना चाहिए तुम्हें नहीं पुरुष हमेशा सेक्स के बारे में क्यों सोचते रहते हैं लेंग शाउटिंग ने काव्या के साथ छेड़खानी बंद कर दी और अपनी आवाज में प्यार से कहा थोड़ी देर और सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा काव्या को वास्तव में अब और अधिक आराम की जरूरत थी क्योंकि वह कल रात के जंगली सेक्स के बाद बहुत थक गई थी लेंग शाउटिंग तुरंत उठे और किराने की खरीदारी के लिए जाने से पहले स्नान किया जब काव्या फिर उठी तो सुबह के ग्यारह बजकर तीस मिनट बस चुके थे और लेंग शाउटिंग ने भी खाना बनाना लगभग पूरा कर लिया था काव्या ने बिस्तर छोड़ दिया और स्नान कर लिया जब वह बाहर निकली तो बर्तन पहले से ही मेज पर थे चलो भी बैठिए लेंग शाउटिंग ने उससे कहा काव्या भूख से मर रही थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भोजन का आनंद लिया लिंग शाउटिंग ने भी खाना शुरू कर दिया और ढेर सारा खाना काव्या के कटोरे में डाल दिया जब काव्या का पेट लगभग भर गया तो वह धीमी हो गई और बोली मैं कल एंटीक स्ट्रीट पर मास्टर जियांग मास्टर जू और तुम्हारे दादाजी से मिली थी यह सुनकर लेंग शाउटिंग आश्चर्यचकित रह गए और थोड़ा घबरा गए और लेंग शूटिंग ने पूछा दरअसल वह पूछना चाहता था कि क्या उसके दादाजी ने काव्या को पहचान लिया था लेकिन उसे डर था कि कहीं काव्या को पता न चल जाए कि उसने अपने दादाजी को पहले ही बता दिया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है काव्या को लेंग शाउटिंग में कुछ भी असामान्य नज़र नहीं आया और उसने कहा उन्होंने मेरे स्टोर से कुछ असली प्राचीन वस्तुएं खरीदी मैं शुरुआत में उनसे शुल्क नहीं लेना चाहता था लेकिन वे उन्हें मुफ्त में लेने को तैयार नहीं थे इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे मुझे प्रत्येक को एक लाख युआन का भुगतान करें लेंग शूटिंग ने सिर हिलाया ओ अंकल टैंग अब कैसे हैं उसने चिंता से पूछा वह अब जाग रहा है काव्या ने कहा यह जानकर खुशी हुई लेंग शूटिंग को राहत मिली यदि तान युनफान जाग नहीं पाती तो काव्या और गुमान सुखी जीवन नहीं जी पाते आज आपकी क्या योजना है लेंग शूटिंग ने पूछा काव्या ने कहा कोलाइन का फ्लैगशिप स्टोर कल खुलने जा रहा है इसलिए मैं आज ही उत्पादों पर एक नजर डालना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेंग शाउटिंग ने कहा भोजन के बाद लेंग शाउटिंग ने काव्या को आराम करने के लिए कहा और वह खुद बर्तन धोने चला गया काव्या ने कहा और लेंग शाउटिंग की तारीफ करते हुए कहा ठीक है ऐसा बॉयफ्रेंड होना वाकई अच्छी बात है जो खाना पकाने और घर के काम में अच्छा हो ताकि मैं अच्छी तरह से खा सकूं और सो सकूं। अच्छा खाओ और तुम अच्छी नींद पाओगे लेंग शाउटिंग ने कहा और जोर नींद के शब्द पर था काव्या शर्मा गई और ऊपर की ओर चल रहे लेंग शाउटिंग को नजरअंदाज कर दिया वह वापस बेडरूम में गई और अपना फोन चेक किया जू किन्यन की एक मिस्ड कॉल थी इसलिए उसने तुरंत उसे वापस कॉल किया जैसे ही जू किन्यन ने काव्या की कॉल का उत्तर दिया वह बहुत उत्साहित हो गई काव्या तुमने मुझे जो त्वचा देखभाल उत्पाद भेजे हैं वे बहुत अच्छे हैं मैंने पहले कभी इतने प्रभावी उत्पादों का उपयोग नहीं किया है मेरी त्वचा अब बहुत चिकनी और चमकदार है सभी महिलाएं अपने रूपरम की परवाह करती थी ओह मेरी माँ भी मुझसे से चुराना चाहती थी लेकिन वह असफल रही हाँ हाँ जू किन्न्यन ने बड़े गर्व से कहा ऐसा लग रहा था कि जू किन्न की मां भी अब काव्या के त्वचा देखभाल उत्पादों की एक वफादार ग्राहक बन गई है खुशखबरी सुनकर काव्या संतुष्टि के साथ मुस्कुराई उन्हें विश्वास था कि उनके उत्पाद जल्द ही लोकप्रिय होंगे आपके त्वचा देखभाल उत्पाद बाजार में कब लाए जाएंगे मेरी माँ इसे बहुत बुरी तरह से चाहती है जू किन्न ने पूछा कल काव्या ने कहा कई नए उत्पाद भी हैं और आप कल फ्लैगशिप स्टोर पर जा सकते हैं वास्तव में काव्या जू किन्न की माँ को एक सेट भेज सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका स्टोर कल खुलने वाला था और उसे लोकप्रियता की जरूरत थी कहा जू किन्न ने उत्साह से पूछा नंबर एक सौ अड़सठ एक्सएक्स रोड डाउन अपनी माँ के साथ वहां जाना मत भूलना काव्या ने कहा बेशक मैं नहीं करूँगा मैं अभी अपनी माँ को बताऊंगी जूकिन ने कहा और फिर फोन रख दिया और अपनी माँ को रोमांचक समाचार बताने चली गई उसकी माँ ने एक साथ कई महिला मित्रों को बुलाया और उन्होंने फैसला किया कि वे कल एक साथ वहां जाएंगी जू ज़ूकिन्न की मां का काव्या के ब्रांड को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह वैसे भी काव्या को नहीं जानती थी लेकिन उसने बस सोचा कि उत्पाद काफ़ी अच्छे थे इसलिए उसने अपने दोस्तों को इसकी अनुशंसा की जू किन्न ने बाद में गो अन्ना को भी बुलाया और उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया गो अन्ना को जू किन्न की तुलना में त्वचा देखभाल उत्पादों की अधिक परवाह थी इसलिए वह इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेगी भले ही त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए नहीं वे काव्या के दोस्त थे और उन्हें कल काव्या को बधाई देने जाना चाहिए बर्तन धोने के बाद लेंग शाउटिंग और काव्या एक साथ घर से निकले इसी दौरान एक खबर वायरल हो गई यह जेड ब्यूटी ज्वेलरी और चांद के विज्ञापनों के बारे में था सुटोमनो स्वयं एक सुंदरी थी और के, के संपादन के बाद फोटो और वीडियो विज्ञापन में वह और भी अधिक आश्चर्यजनक लग रही थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई फोटो या वीडियो विज्ञापन था यह बहुत आकर्षक था सुटोमनो ने पोस्टर और वीडियो विज्ञापन में तीन अलग अलग शैलियों में कपड़े पहने वह एक फूल परी की तरह शुद्ध एक कुलीन महिला की तरह सुरुचिपूर्ण और एक रानी की तरह शक्तिशाली थी जेड ज्वेलरी के साथ वह परफेक्ट लग रही थी बहुत खूब वह एक शुद्ध देवी है मुझे अब उससे प्यार हो गया है वह बहुत शानदार है जेड आभूषण भी पोस्टर मुझे उन सभी को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन मैं इसे खरीदने के लिए बहुत गरीब हूँ हा हा हाहा हा। एक बार पोस्टर और वीडियो विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सुटोंगनो के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ गई वहीं कई लोग विज्ञापन के ऊंचे स्तर से प्रभावित हुए इसलिए विज्ञापन ने अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही विबो पर सबसे गर्म विषय बन गया एक बार जब यह लोकप्रिय हो गया तो नफरत करने वाले चुप नहीं रह सकते थे मुझे लगता है कि वह केवल अपने नाजुक मेकअप और सुधारक के उत्कृष्ट कौशल के कारण अच्छी दिखती है मुझे वह पसंद नहीं है वह एक गणना करने वाली कुतिया की तरह दिखती है उपरोक्त टिप्पणियों को देखकर सुटोंगनओं के प्रशंसक पागल हो गए नफरत करने वालों क्या आप अपने आप पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते अब आप बस टोंगलुओं की उपलब्धियों से ईर्षा कर रहे हैं क्योंकि आपसे नफ़रत करने वाले कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक सु टोंगरुओं के वफादार प्रशंसक भद्दे कमेंट्स देखते वे उनसे बहस करते और उन नफरत करने वालों को अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर करते वैसे भी कोई ऐसा सितारा नहीं था जिसकी हर कोई तारीफ करता हो भले ही कोई अभिनेता बहुत प्रसिद्ध हो या घर घर में मशहूर हो गया हो फिर भी कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो उसे बहुत नापसंद करते होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनोरंजन उद्योग में किसने काम किया है उसे बिना किसी कारण के आलोचना या शपथ ग्रहण के लिए तैयार रहना चाहिए जब इन्फिनिट हॉरर के क्रू ने सुटोंगनों का विज्ञापन देखा तो वे सभी भी दंग रह गए बाईलिन काफी ईर्ष्यालु थी और अब सुटोंगनुओं की सफलता से थोड़ी ईर्ष्यालु भी थी लेकिन उसका उसके खिलाफ योजना बनाने का कोई इरादा नहीं था काव्या और लेंग शाउटिंग बाद में फ्लैगशिप स्टोर पर आए इसे दो स्थानों में विभाजित किया गया था और फार्मेसी ने पूरे स्टोर के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया था जबकि बाकी हिस्सा त्वचा देखभाल उत्पादों का था फार्मेसी का चिना कोलेन फार्मेसी था जबकि त्वचा देखभाल उत्पादों की दुकान का चिना स्किन केयर था दोनों चहनों के निचले दाएँ कोने पर प्रत्यक्ष बिक्री स्टोर अंकित था प्रत्यक्ष बिक्री का मतलब था कि यह कंपनी अपने उत्पाद सीधे इन दो स्टोरों पर बेचती थी कोलेन फार्मेसी को अन्य फार्मेसियों की तरह ही सजाया गया था हालांकि कॉजी स्किन केयर को खूबसूरती से सजाया गया था आपको देखकर अच्छा लगा मिस गु और मिस्टर लेंग काव्या और लेंग शाउटिंग के आने पर निंग चांगकाई ने उनका स्वागत किया काव्या ने निंग चांगकाई को अपनी कंपनी के बाहर मिस गु को बुलाने के लिए कहा था इसलिए निंग चांगकाई ने उसके आदेश का पालन किया लेंग शाउटिंग दवा फैक्ट्री का अधिग्रहण करने के लिए काव्या के साथ गए थे इसलिए निंग चांगकाई स्वाभाविक रूप से उन्हें जानते थे अब सब कुछ कैसा चल रहा है काव्या ने पूछा निंग चांगकाई ने काव्या और लेंग शाउटिंग को स्टोर के चारों ओर घूमते हुए निर्देशित किया और कहा अधिकांश उत्पादों को अलमारियों पर रखा गया है स्टोर में कई कर्मचारी जब काव्या और लेंग शाउटिंग की ओर बढ़े तो उनकी शक्ल देखकर दंग रह गए ठीक इसी समय एक युवक अचानक एक महिला को अपनी पीठ पर लाद अंदर आया महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और वह काफी दर्द में लग रही थी वह आदमी उत्सुकता से चिल्लाया क्या कष्टार्थव के लिए कोई दवा है मेरी प्रेमिका कष्टार्थव से पीड़ित है शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और अचानक उसकी गर्लफ्रेंड का पीरियड आ गया उसकी प्रेमिका मासिक धर्म के दौरान हमेशा कष्टार्तव एक से पीड़ित रहती थी और हर बार उसे बहुत दर्द होता था हां फार्मेसी की मुखिया एक महिला थी और उसने मदद के लिए उस आदमी की पुकार सुनते ही जवाब दिया हालांकि यह फार्मेसी कल खुलने वाली थी लेकिन वह अपने संभावित ग्राहक को दूर नहीं जाने देगी आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को सोफे पर लिटा दिया कुछ ही देर में नेता दवा का डिब्बा लेकर वापस आ गया यह लो और वह कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगी यदि यह दवा मिनटों में प्रभाव में आ जाती तो यह काफी प्रभावी होता क्योंकि आमतौर पर इसमें दर्जनों मिनट या घंटे भी लगते उस आदमी ने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ही उसे खोल दिया डिब्बे में उंगली के आकार की छह छोटी बोतलें थी नेता ने कहा एक बार एक बोतल ले लो आदमी ने एक बोतल खोली और अपनी प्रेमिका को उसे लेने में मदद की एक बार जब तरल उसके मुंह में चला गया तो उसे कुछ मिठास का स्वाद आया और इसका स्वाद बिल्कुल भी भयानक नहीं था ठंडी तरल औषधि उसके गले से नीचे बह निकली जैसे ही तरल दवा उसके पेट में पहुंची उसका दर्द धीरे धीरे कम हो गया और केवल एक मिनट के बाद महिला को ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ कैसा है आदमी ने घबराकर पूछा यह बहुत अच्छा है उसकी प्रेमिका ने कहा वाह यह दवा तो बहुत अद्भुत है केवल एक या दो मिनट के बाद अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ प्रिय चलो इसे और खरीदे कोई बात नहीं उस आदमी को राहत मिली कि उसकी प्रेमिका अब ठीक लग रही है यह कितने का है उसने नेता से पूछा साठ युआन नेता ने कहा इस दवा का उद्देश्य पेट दर्द को कम करना है न केवल कष्टार्थव बल्कि यह सामान्य पेट दर्द के लिए भी प्रभावी है कृपया मुझे इसके पांच डिब्बे और दे दीजिए उस आदमी ने यह नहीं सोचा कि यह दवा बिल्कुल भी महंगी है जबकि इसकी कीमत सामान्य दवा से दोगुनी थी नेता पांच और बक्से लाने गया और आदमी काउंटर पर उनके लिए भुगतान करने गया इस समय उसकी प्रेमिका अब अपने आप चलने में सक्षम थी क्योंकि उसे उसके प्रेमी ने अंदर ले जाया था कई लोगों ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा था जब वह खुद बाहर निकली तो सभी हैरान रह गए अरे मिस अभी तुम्हें क्या हुआ अब आप अकेले बाहर क्यों जा सकते हैं एक बूढ़ी औरत ने उत्सुकता से उससे पूछा महिला थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया उम्म मैं हमेशा मासिक धर्म के दौरान कष्टार्तव से पीड़ित रहती हूँ मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अभी अभी इस फार्मेसी से गुजरे थे इसलिए हम अंदर गए और दवा का एक डिब्बा खरीदा दवा बहुत प्रभावी है और मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ वास्तव में जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया यदि हां तो मुझे अपनी बेटी के लिए भी कुछ खरीदना होगा एक अन्य महिला ने कहा और फार्मेसी में चली गई ओ मुझे भी अपनी बहू के लिए कुछ खरीदना चाहिए एक अन्य बूढ़ी औरत ने कहा और फार्मेसी में चली गई क्या स्टोर में अन्य प्रभावी दवाएं हैं एक आदमी ने पूछा चलो अंदर चले और खुद ही जांच ले दूसरे आदमी ने कहा और फार्मेसी में भी चला गया आसपास के अन्य लोगों ने उन्हें एक एक करके फार्मेसी की ओर जाते देखा और वे भी उत्सुक हो गए एक बार जब यह शुरू हुआ तो उत्सुकतावश अधिक से अधिक लोग अंदर चल रहे अन्य लोगों का अनुसरण करने लगे इसके अलावा उनमें से कई लोगों ने एक ही समय में बहुत सारी दवाएं हासिल कर ली वैसे भी घर पर कुछ असरदार दवाएं तैयार करना कोई बुरी बात नहीं थी चूंकि यह फार्मेसी पहले से ही स्थापित थी इसलिए लोगों का मानना था कि इसमें सभी दवाएं योग्य और सुरक्षित थी हालांकि इस फार्मेसी में दवाएं अन्य फार्मेसियों की तुलना में अधिक महंगी थी कई लोगों का मानना था कि किसी कारण से उनकी कीमतें अधिक थी एक लड़की थी जिसे आम खाने से एलर्जी हो गई थी मरहम लगाना बेकार था और उसे जलसेक पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई एक सेल्स ने लड़की को तुरंत पचास मिलीलीटर का लोशन दिया जो अच्छी तरह से पैक किया गया था और यह दवा भी बहुत प्रभावी थी शुरुआत में लड़की को लगा कि यह बहुत महंगा है इसलिए नेता ने उसे इसे मुफ्त में आजमाने के लिए कहा कुछ मिनट तक इसे लगाने के बाद उसकी त्वचा धीरे धीरे सामान्य हो गई यदि वह दिन में तीन बार लोशन लगाती रही तो वह एलर्जी से पूरी तरह ठीक हो जाएगी इसके अलावा यह लोशन मुहासों के निशान हटाने में भी कारगर था इसलिए यह लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे तुरंत खरीद लिया फार्मेसी की अन्य लड़कियों ने भी इसका असर अपनी आंखों से देखकर इसे खरीद लिया कुछ लोगों ने अपनी बीमारियों के अनुसार अपने या अपने परिवार के लिए भी कई तरह की दवाएं खरीदी जैसे सर्दी गठिया जोड़ों का दर्द इत्यादि वे सभी सामान्य बीमारियां थी लेकिन गंभीर नहीं थी इसलिए दवाएं लेकर इसे नियंत्रण में रखा जा सकता था कोलेन फार्मेसी ने सामान्य बीमारियों के लिए सभी दवाएं उपलब्ध कराई यहाँ सभी दवाएं एक ही ब्रांड की क्यों है अचानक किसी ने पूछा एक सेल्समैन ने समझाया यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का डायरेक्ट सेल स्टोर है इसलिए वहाँ केवल उनका ब्रांड है लेकिन ब्रांड सभी सामान्य बीमारियों को कवर करता है देखो बहुत सारे त्वचा देखभाल उत्पाद भी हैं वे बहुत महंगे हैं एक अन्य सेल्सोम ने समझाया यदि आप इसकी कीमत के कारण झिझकते हैं तो आप पहले इसका नमूना आजमा सकते हैं यदि आपको यह पसंद है तो आप उसके बाद और भी खरीद सकते हैं वास्तव में यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और उसने स्किन टोनर इमल्शन और सीरम के तीन फ्री सैंपल ले लिए अन्य सभी लड़कियों को समान निःशुल्क नमूने मिले एक दर्जन मिनट के भीतर इस फार्मेसी के अंदर और बाहर दर्जनों ग्राहक आ रहे थे हालांकि उनमें से केवल आधे ने ही कुछ खरीदा फिर भी वे कई हजार युवाओं कमाने में सक्षम थे यह सचमुच एक अच्छी शुरुआत है काव्या और अन्य लोगों ने लाउंज में सब कुछ देखा और निंग चांकाई विशेष रूप से उत्साहित थे काव्या के होठों पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी सच कहू तो वह आश्चर्यचकित थी कि यह फार्मेसी खुलने से पहले ही कम समय में इतनी लाभदायक हो सकती है सुबह करीब नौ बजे काव्या और लिंग शूटिंग चले गए वे सीधे लेंग शाउटिंग के घर वापस गए हालांकि घर के रास्ते में लेंग शाउटिंग को जू जिनचेन का फोन आया अरे शूटिंग चूंकि काव्या अभी राजधानी में है तो तुम हमारे साथ भोजन क्यों नहीं करते लेंग शाउटिंग ने तुरंत इसका उत्तर नहीं दिया लेकिन चुपचाप काव्या की ओर देखते हुए उसकी राय पूछी काव्या ने फोन पर जू जिनचेन की आवाज़ सुनी और मना नहीं किया इसके बाद वे नियत स्थान पर चले गए कुछ ही देर में काव्या का फोन बजा और फोन करने वाला झेंग पेंग था जो सिटी टेंग में था हाय अंकल झेंग काव्या ने कहा बॉस बर्मा अगले महीने 28 तारीख को वार्षिक सार्वजनिक जेड बोली आयोजित करेगा क्या आप इसमें शामिल होंगी झेंग पेंग ने पूछा सार्वजनिक जेड बोली बर्मा में हर साल एक बार आयोजित की जाती थी और यह बर्मा में सबसे बड़ी सार्वजनिक जेड बोली गतिविधि थी जेड़ व्यापारियों के लिए सार्वजनिक जेड बोली सबसे रोमांचक प्रतियोगिता थी यह धन दृष्टि और साहस की एक व्यापक प्रतियोगिता थी सार्वजनिक जेड़ बोली की शुरुआत से पहले जेड़ के सभी कच्चे माल को क्रमांकित किया गया और उसके वजन के साथ साथ आरक्षित मूल्य का संकेत दिया गया आरक्षित मूल्य आमतौर पर कम था सभी कच्चे माल को तीन दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था और जेड़ व्यापारियों ने एक एक करके सभी प्रदर्शनों का अवलोकन किया ताकि वे चुन सके कि उन्हें क्या चाहिए बाद में उन्होंने इसे बोली बॉक्स में डालने से पहले सर्वोत्तम बोली मूल्य निर्धारित करने के लिए इसकी कीमत का मूल्यांकन किया जेड़ संसाधनों को लेकर बर्मा बहुत सख्त था यह केवल सार्वजनिक जेड बोली पर वैध व्यापार था और अन्य सभी प्रकार के व्यापार को तस्करी माना जाएगा हालांकि काव्या के पास पहले से ही अपना कच्चा माल का पहाड़ था वह अब एक जेड प्रदाता चला रही थी इसलिए उसे बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी शुरुआत में काव्या ने फ्री होने पर कच्चा माल खरीदने के लिए बर्मा जाने की योजना बनाई आखिरकार उसके पास टेलीपैथिक नेत्र की जगह थी इसलिए उसे तस्करी के कारण पकड़े जाने की चिंता नहीं थी हालांकि अप्रत्याशित रूप से सार्वजनिक जेड बोली अगले महीने आयोजित की जाएगी इस महीने का अंत हो चुका था इसलिए उसके पास इसकी तैयारी के लिए अभी भी एक महीना था वह चल रही चीजों को एक महीने के अंदर निपटा सकती हैं जरूर क्यों नहीं काव्या ने कहा लेंग शाउटिंग ने फोन पर उनकी बातें सुनी और सोचा कि उन्हें अगले महीने कम से कम एक सप्ताह मुफ्त मिल सकता है अगर मैं अगले महीने फ्री होऊंगा तो मैं आपके साथ जाऊंगा लेंग शाउटिंग ने कहा महान काव्या सहमत हो गई काव्या द्वारा झेंग पेंग को फोन करने के थोड़ी देर बाद जियांग रुईकिन ने काफी देर तक झिझकने के बाद उसे फोन किया अरे आप क्या कर रहे हो क्या आप एक साथ बाहर खाना खाना चाहेंगे जियांग रुईकिन ने कहा आवाज सुनकर लेंग शाउटिंग को तुरंत पता चल गया कि वह कौन है और वह उलझन में था कि काव्या को जियांग रुईकिन के बारे में कैसे पता चला काव्या ने थोड़ा बुरा महसूस करते हुए कहा धन्यवाद लेकिन मेरी दोस्त के साथ मेरी पहले से ही अपॉइंटमेंट है ठीक है ठीक है हम अगली बार एक साथ भोजन कर सकते हैं जियान रुईकिन थोड़ा निराश हुआ लेकिन उसने जोर नहीं दिया जरूर काव्या ने कहा और फोन रख दिया क्या आप उससे परिचित हैं लेंग शाउटिंग ने थोड़ा ईर्ष्या महसूस करते हुए कहा काव्या ने लेंग शाउटिंग के भावनात्मक बदलावों को महसूस किया उसने एक इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर भी समझाया मैं नहीं हूं जब मैं कल सुबह दौड़ रहा था तो मेरा उससे सामना हुआ था और कल रात जब मैं जू क्विनियन के साथ घूम रहा था तो मैं उससे दोबारा मिला हम एक दूसरे को थोड़े समय के लिए जानते हैं यह सुनकर लेंग शाउटिंग को और भी अधिक ईर्षा हुई आप उनसे अभी दो बार मिले हैं और आपने पहले ही उन्हें अपना फोन नंबर दे दिया है और आप अगली बार उनके साथ भोजन करने के लिए भी सहमत हो गए हैं काव्या अपने ईर्ष्यालु प्रेमी से खुश थी हालांकि उसने सोचा कि उसका अप्रसन्न होना उचित था क्योंकि उसके बहुत सारे पुरुष मित्र थे जबकि उसकी कुछ महिला मित्र थी दरअसल काव्या ने अपने पुरुष मित्रों से एक विनम्र दूरी बनाए रखी काव्या को नहीं पता था कि लेंग शाउटिंग को ईर्ष्यालु देखकर क्या करना चाहिए लेकिन वह उसे दोष नहीं देगी इसके बजाय वह और अधिक धैर्यवान हो गई और स्पष्ट रूप से समझाया वह किन्नियन का दोस्त है और मास्टर जियांग का पोता है इसलिए अगर मैंने उसके साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान करने से इनकार कर दिया तो यह उचित नहीं था अगर वह अगली बार दोबारा फ़ोन करेगा तो मैं कोई बहाना बना सकता हूँ यह सुनकर लेंग शूटिंग खुश हो गई जू जिनचेन ने उन्हें जिनलिन होटल के प्रेसिडेंशियल स्विट में एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जो जू जिनचेन का पारिवारिक व्यवसाय था अंदर बहुत सारे खेल उपकरण थे जैसे बिलियर्ड टेबल केटीवी महाजोम और डार्ट्स ताकि आप भोजन के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ मजा कर सकें काव्या और लेंग शाउटिंग शाम पांच बजकर तीस मिनट बजे पहुंचे और उनके दोस्त पहले से ही गेम खेल रहे थे उनमें से कुल मिलाकर चार थे जिनमें जू जिनचेन शिनबेई जू किनियन और गो अन्ना शामिल थे हाय शूटिंग काव्या जैसे ही काव्या और लेंग शाउटिंग अंदर आए जू जिनचेन और शिन बे जो क्यू स्पोर्ट्स खेल रहे थे उनका स्वागत किया फिर खेलना जारी रखा जू किन्न्यिन और गो अन्ना के टीवी रूम में गा रहे थे लेकिन संगीत तेज़ नहीं था इसलिए उन्होंने जू जिनचेन को लेंग शाउटिंग से बात करते हुए सुना गो अन्ना आश्चर्यचकित थी कि लेंग शाउटिंग काव्या के साथ आई थी और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ वह काव्या के लेंग शाउटिंग के साथ संबंध के बारे में नहीं जानती थी ओह काव्या यहाँ है जू किन्न उत्साहित थी और बाहर निकलकर खड़ी हो गई रुको काव्या शूटिंग के साथ क्यों आई गो अन्ना ने पूछा लेकिन जू क्विन्निन पहले ही जा चुकी थी इसलिए वह तुरंत उसके पीछे चली गई जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि काव्या लेंग शाउटिंग के पास खड़ी थी और वह उसका बैग उतारने में उसकी मदद कर रहा था गो अन्ना हैरान था क्या वे युगल है हाय शूटिंग काव्या जू किन्निन ने उनसे कहा गो अन्ना पहले से ही गूंगा था और एक शब्द भी नहीं बोल सका काव्या लेंग शूटिंग को अकेला छोड़कर उनके पास चली गई जू किन्यन और गोअन्ना ने काव्या को केटीवी रूम में खींच लिया और गोअन्ना ने उससे पूछा काव्या लॉर्ड लेंग के साथ आपका क्या रिश्ता है वह मेरा बॉयफ्रेंड है काव्या ने कहा क्या गोअन्ना अब पूरी तरह से चौंक गया था हालांकि वह लेंग शाउटिंग से परिचित नहीं थी लेकिन जू किन्ियन के साथ अपनी दोस्ती के कारण वह पहले भी कई बार उससे मिल चुकी थी शुरुआत में गोअन्ना लेंग शाउटिंग की शानदार उपस्थिति और सेक्सी शरीर से बहुत आकर्षित थी और उसने उसे लुभाने की कोशिश भी की थी हालांकि वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था और वह उसकी ठंडी नज़रों से डरती थी गो अन्ना को लगता था कि लेंग शाउटिंग को शायद महिलाएं पसंद नहीं है हालांकि जू किन्न ने उसे बताया कि लेंग शाउटिंग समलैंगिक नहीं था ऐसा होने पर गो अन्ना काफी आश्चर्यचकित था कि अब उसकी अचानक एक प्रेमिका बन गई है हालांकि गो अन्ना ने पहले भी लेंग शाउटिंग की प्रशंसा की थी लेकिन लेंग शाउटिंग ने कभी भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इसलिए उसने पहले ही हार मान ली और यहां तक कि उसे देखकर तनाव महसूस किया इसलिए उसे बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन ईर्ष्या नहीं हुई काव्या तुम लॉर्ड लेंग की प्रेमिका हो यह बहुत आश्चर्यजनक है गो अन्ना ने कहा काव्या मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली क्योंकि वह समझ गई थी कि जब गो अन्ना को बाकी सभी लोगों की तरह यह सुनकर झटका लगा कि लेंग शाउटिंग की एक गर्लफ्रेंड है तो वह क्यों हैरान रह गई हालांकि जब काव्या को पता चला तो वह मास्टर लेंग की प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहा था वह नहीं जानती थी कि मास्टर लेंग को पहले से ही पता था कि लेंग शूटिंग सिंगल नहीं थी इसके अलावा वह अपने पोते की प्रेमिका से मिलने के लिए उत्सुक थे दरअसल वे पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे लेकिन दोनों में से किसी को पता नहीं चला गो अन्ना ने जू किन्यन को दोषी ठहराया किन्यिन तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि लॉर्ड लेंग की एक प्रेमिका है और उसकी प्रेमिका काव्या है ओ याद नहीं रहा जू किन्यन ने अपनी आंखें झपकाई और मासूम दिखी अन्ना ने उसे जाने दिया फिर सीधे काव्या की ओर देखा हमें बताओ पहले दूसरे का पीछा किसने किया उसने मेरा पीछा किया काव्या ने कहा अरे बाप रे गो अन्ना ने आश्चर्य से कहा उसे आश्चर्य हुआ लेंग शाउटिंग जो इतना ठंडा दिखता था और हमेशा महिलाओं से दूरी बनाए रखता था अपनी पहल पर एक लड़की का पीछा करता था क्या वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है क्या आप उसके साथ बोरियत महसूस करते हैं क्या आपको उसके साथ रिश्ते में तनाव महसूस नहीं होता गो अन्ना ने फिर पूछा हाहा काव्या और जू किन्न जोर से हंसे लेकिन वे दोनों समझ गए कि वह ये सवाल क्यों पूछेगी ठीक है चाहे वह दूसरों के प्रति कितना भी ठंडा क्यों न हो मेरे सामने वह हमेशा दयालु और कोमल रहता है मुझे उसके साथ रहकर बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती मैं पहले से कहीं अधिक खुशहाल जीवन जी रही हूं काव्या ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा जानकर खुशी हुई कि चूंकि काव्या ने ऐसा कहा गो अन्ना चिंतित नहीं थी ओह किन्न ने मुझे बताया कि आपने त्वचा देखभाल उत्पादों का अपना ब्रांड स्थापित किया है यह कल खुलेगा है ना मैं अपनी महिला मित्रों के साथ वहां खरीदारी करने जाऊंगा गो अन्ना ने कहा महान काव्या ने कहा जो किन्न ने कहा मैंने वीचैट पर अपनी सभी महिला मित्रों को बता दिया है और वे भी देखने जाएंगी ओ ठीक है मुझे भी ऐसा करना चाहिए गो अन्ना ने कहा और वीचैट के माध्यम से अपनी महिला मित्रों को भी संदेश भेजा काव्या हम एक दूसरे को वैचैट संपर्कों के रूप में क्यों नहीं जोड़ते जू किन्न ने काव्या से पूछा हाँ हाँ क्यों नहीं काव्या ने अपना फोन निकाला मैं अक्सर वैचैट का उपयोग नहीं करता यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कोई बात नहीं जू किन्न ने कहा मुझे भी जोड़े गो अन्ना ने कहा बाद में गो अन्ना जू किन्यन और काव्या ने एक दूसरे को वीचैट संपर्क के रूप में जोड़ा वाह काव्या तुमने अपने क्षणों में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है अन्ना और मैंने अनगिनत सेल्फी या भोजन या सुंदर दृश्यों की तस्वीरें पोस्ट की हैं काव्या के वीचैट पलों की जांच करने के बाद जू किन्यन आश्चर्यचकित रह गई काव्या ने कहा मैं ऐसा करने की पक्षधर नहीं हूं गो अन्ना ने काव्या के स्किन केयर ब्रांड के संबंध में कई संदेश भेजे और उन्हें जल्द ही प्रतिक्रिया मिली कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें यह इसलिए नापसंद है क्योंकि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नहीं है कुछ ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी बहुत भयानक हो सकते हैं गो अन्ना की खातिर कई लोगों ने फिर भी देखने का फ़ैसला किया गो अन्ना का जन्म स्वयं एक अति अमीर परिवार में हुआ था इसलिए यदि उसने उन्हें आजमाया होता तो वह निश्चित रूप से बुरी चीज़ों की अनुशंसा नहीं करती भले ही काव्या का स्किनकेयर ब्रांड अभी तक बहुत प्रसिद्ध नहीं था गो अन्ना के दोस्त भी गो अन्ना को खुश करने के लिए इसे आजमाने को तैयार थे गो अन्ना के विचट संपर्क में शामिल हर व्यक्ति का उसके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था और कई लड़कियां गो परिवार की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब परिवारों में पैदा हुई थी इसलिए वे सभी गो परिवार के क्वार्ट पर सवारी करना चाहती थी जब तक वे गो परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते थे यह संभव था कि भविष्य में गो परिवार उन्हें मदद का हाथ देगा भले ही उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी गो परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना कोई बुरी बात नहीं थी गो अन्ना को उनकी राय की परवाह नहीं थी वह वैसे भी उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगी उन तीनों ने शाम छह बजे तक केटीवी रूम में बातें की और गाना गाया अगर जू जिनचेन उन्हें एक साथ खाना खाने के लिए कहने नहीं आए होते तो उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती रात के खाने के दौरान लेंग शाउटिंग काव्या के कटोरे में खाना डालती रही और यहां तक कि उसे झींगा छीलने में भी मदद की जिससे अन्य चार एकल लोगों को काफी जलन महसूस हुई अरे क्या तुम्हें हमारी भावनाओं की थोड़ी भी परवाह नहीं थी जू जिंटेन ने कहा काव्या और लेंग शाउटिंग को पता था कि टेबल के आसपास मौजूद अन्य लोग अभी भी अकेले थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनके सामने एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया बिल्कुल गो अन्ना ने कहा मुझे आज़ादी पसंद थी लेकिन अब मैं प्यार चाहता हूँ जब आप अकेले थे तो आप स्वतंत्र महसूस करते थे और आप जो चाहे कर सकते थे हालांकि जब आपने एक प्रेमी जोड़े को देखा तो आपके मन में प्यार की भावना जाग उठी क्यों आप हमारी वजह से सिंगल नहीं है लेंग शाउटिंग ने कहा और मुद्दा उठाया अच्छा मैं उन लोगों में से एक आदमी को अपना बॉयफ्रेंड चुनूंगी जो अब मेरे पीछे पड़े हैं गो अन्ना ने कहा जैसे यह एक बहुत ही गंभीर निर्णय था मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है आपके पास अभी भी विकल्प है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास विकल्प है जू किन्न ने कहा जू किन्निन सुंदर सुशिक्षित थी और राजधानी के एक अति अमीर और शक्तिशाली परिवार से भी थी ऐसे कुछ पुरुष थे जिनकी पृष्ठभूमि उनके जैसी ही थी लेकिन उनके कई प्रशंसक भी थे हालांकि उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के मामले में उसके मानक ऊंचे थे बल्कि इसलिए था क्योंकि आज के पुरुष परिणाम प्रेरित अहंकारी हैं। भले ही जू किनियन के पास अपने प्रेमी के लिए उच्च मानक थे लेकिन उसने नियम निर्धारित करने का आत्मविश्वास था वास्तव में उसने यह मांग नहीं की थी कि वह आदमी उसके जैसे अति अमीर या शक्तिशाली परिवार में पैदा हो लेकिन वह उत्कृष्ट और अच्छा दिखने वाला होना चाहिए हालांकि उसे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके मानकों को पूरा करता हो सबसे खास बात तो ये है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा हालांकि उसका पूर्व प्रेमी भी राजधानी के एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली परिवार से था लेकिन उसका परिवार बमुश्किल ही उसके परिवार से तुलनीय था फिर भी जू किन्न ने कभी भी उसके बारे में हल्के में नहीं सोचा था दुर्भाग्य से उसके पूर्व प्रेमी ने बस उसका फ़ायदा उठाया था बिल्कुल इसलिए क्योंकि उसके पूर्व प्रेमी का परिवार अपेक्षाकृत शक्तिशाली था लेकिन राजधानी में बहुत शक्तिशाली नहीं था उसे कई उच्च स्तरीय पार्टियों से निमंत्रण पत्र नहीं मिल सके दूसरी ओर जू परिवार राजधानी के सबसे अमीर परिवारों में से एक था इसलिए जू किन्न को हमेशा उन उच्च स्तरीय पार्टियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था इसलिए उसका पूर्व प्रेमी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए उसके कोटेज पर सवार होगा जू किन्न ने कई बार उसकी मदद की थी लेकिन उसका पूर्व प्रेमी कभी संतुष्ट नहीं था उन्होंने एक निश्चित आंकड़े को पूरा करने की मांग भी की थी उसके बाद जू किन्न बहुत निराश हो गया और एक हिंसक झगड़े के बाद उससे संबंध तोड़ लिया कुल मिलाकर जूकिन्निन अभी भी इस रिश्ते में काफ़ी आहत महसूस कर रही थी और एक महीना बीत जाने तक आगे नहीं बढ़ी हालांकि यह एक साल पहले हुआ था और वह पहले ही अपने पूर्व प्रेमी से उबर चुकी थी फिर भी यह उसके दिमाग में एक बुरे सपने जैसा था वह उस भयानक अनुभव का दोबारा सामना करने से डरती थी इसलिए वह अब किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती थी या आसानी से प्यार में नहीं पड़ सकती थी चलो तुम्हारे प्रशंसक मुझसे कहीं अधिक हैं मेरे साथ दयनीय मत बनो गो अन्ना ने कहा जूक विनियन की करीबी दोस्त के रूप में गो अन्ना बेशक जानती थी कि जूक विनयन अब इतना उदास क्यों दिखती है लेकिन उसने सोचा कि जूक विनयन को प्यार में और अधिक बहादुर होना चाहिए इस दुनिया में वास्तव में अच्छे लोगों की तुलना में बुरे लोग अधिक थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अच्छे लोग थे ही नहीं आखिरकार हर आदमी ने जूकिन्यन के पूर्व प्रेमी की तरह व्यवहार नहीं किया इसके अलावा लड़कियों ने पिछले भयानक अनुभवों से प्यार करना सीखा गो अन्ना ने भी सीखा लेकिन गो अन्ना ने सच्चे प्यार की उम्मीद कभी नहीं खोई वह आजाद रहना पसंद करती थी और उसे प्यार की भी चाहत थी ठीक है मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे पसंद हो जू किन्ने ने कहा ओह काव्या मैंने सुना है कि तुम्हारा स्टोर कल खुलेगा जू जिनचे ने कहा हां काव्या ने उत्तर दिया मैं आपका समर्थन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ देखने जाऊंगा जू जिनचे ने कहा तुम लोग भी वहां क्यों जाओगे वे महिला त्वचा देखभाल उत्पाद है जू किन्ने ने तिरस्कार के साथ कहा उसे नहीं पता था कि काव्या की भी कोई फार्मेसी है यह सुनकर जू जिनचेन ने जू किन्न की ओर अपनी आंखें घुमाई और फिर कहा मैं दयालुता के कारण काव्या का समर्थन करने के लिए वहां जाता हूं ठीक है अच्छा जू किन्न ने चेहरा बनाया रात्रि भोज के बाद अलग होने से पहले उन्होंने केटीवी कक्ष में कुछ देर तक गाना गया एक बार जब काव्या और लेंग शाउटिंग घर में वापस आए तो लेंग शाउटिंग ने उसे बिस्तर पर दबा दिया वह पूरे दिन इस पल का इंतजार कर रहा था लेंग शाउटिंग के हाथ ने उसकी त्वचा के हर इंच को छुआ जिससे उसे उत्तेजना महसूस हुई जब अंत में उसने उसका प्रवेश किया तो उसे काफी संतुष्टि महसूस हुई उसी समय उसे उसके शरीर में कहीं गहराई से एक रहस्यमय शक्ति का एहसास हुआ और उसका शरीर उसके शरीर के साथ मिलकर एक हो गया अगली सुबह जियाम रोइकिन फिर भी जल्दी उठे और दौड़ने के लिए बाहर चले गए वह ज्यादा देर तक नहीं भागा लेकिन एक ही जगह पर रुक गया क्योंकि उसे डर था कि वह काव्या को मिस कर देगा यदि वह किसी निश्चित स्थान पर उसका इंतज़ार कर रहा था तो अगर वह वहां से गुजरती तो वह काव्या को देख सकता था हालांकि काव्या आज सुबह भी अनुपस्थित थी जियांग रोईकिन अब पहले से कहीं अधिक निराश थी क्या उसने यह नहीं कहा कि वह हर दिन सुबह बौटती है वह दो दिन से अनुपस्थित क्यों है क्या उसे कोई परेशानी हुई या वह मुझसे बच रही है जियांग रोईकिन ने मन ही मन सोचा जियांग रोईकिन इसका पता नहीं लगा सका और दुखी होकर घर वापस चला गया तांग क्विंगयांग नाश्ते की तैयारी कर रही थी जब जियांग रोईकिन फिर से स्पष्ट निराशा के साथ घर आया क्या हुआ तुम फिर इतने परेशान क्यों दिख रहे हो तुमने उसे आज नहीं देखा उसने पूछा मम्मा जियांग रोईकिन ने खुद को सोफे पर गिराते हुए अपने चेहरे पर एक अनुपस्थित भाव के साथ छत की ओर देखते हुए कहा तांग क्विड्यांग ने कहा मैंने सिर्फ यह सोचा था कि आप उसे पसंद करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप अब प्यार में हैं जियांग रोइकिन का मूड अब पूरी तरह से काव्या से प्रभावित था हां जियांग रोइकिन ने इससे इनकार नहीं किया दरअसल उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा और अब जब उसे उसकी याद आ रही है तो वह और भी ज्यादा प्यार में डूब रहा है हालांकि वैसे भी यह उसकी गलती नहीं थी काव्या बहुत उत्कृष्ट और आकर्षक थी उसके अनगिनत प्रशंसक होंगे क्विंगयांग जियांग के पास गए और उन्हें प्रोत्साहित किया अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बताओ यदि आप इसे जोर से नहीं कहेंगे तो उसे इसका पता कभी नहीं चलेगा हम अभी दो बार मिले हैं मैं नहीं चाहता कि वह यह सोचे कि मैं आसान हूं जियांग रुईकिन ने कहा आप ठीक कह रहे हैं तान क्विंगयांग सहमत हो गया लेकिन अपने करीबी दोस्त को इतना परेशान देखकर उसे चिंता महसूस हुई आज के अन्य पुरुषों की तुलना में जियांग रुईकिन वास्तव में एक विश्वसनीय अच्छा युवक था इसलिए तांग क्विंद्यांग उसके करीबी भाई के रूप में नहीं चाहता था कि उसे फिर से एक महिला द्वारा चोट पहुंचाई जाए जियांग रुईकिन को प्यार में पड़ी एक महिला ने चोट पहुंचाई थी लेकिन यह बहुत समय पहले हुआ था और वह अब पहले ही आगे बढ़ चुका था सच्चा प्यार केवल सही व्यक्ति के लिए था काव्या सुबह सात बजे उठी एक बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो लेंग शाउटिंग का तेजस्वी सोया हुआ चेहरा उसकी नजर में आया और वह उससे बहुत आकर्षित हुई लेंग शाउटिंग की सांवली त्वचा धूप में बहुत सेक्सी लग रही थी उनका निष्कलंक चेहरा किसी मूर्ति के समान सुंदर था शायद वह दुनिया का सबसे सुंदर आदमी नहीं था लेकिन उसकी नजर में वह निश्चित रूप से सबसे आकर्षक व्यक्ति था और वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी अचानक लेंग शाउटिंग ने अपनी आंखें खोली और बुरी मुस्कान बिखेरी काव्या थोड़ी डरी हुई थी लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी यह देखकर लेंग शाउटिंग काफी संतुष्ट हुई और एक व्यापक मुस्कान दिखाई जिसने काव्या को चौंका दिया क्या तुम्हें मुझे देखकर आनंद आता है लेंग शाउटिंग ने अपनी करकश आवाज में पूछा हाँ काव्या ने अपने दिल की बात सुनकर कहा आगे बढ़े लेंग शाउटिंग ने कहा तुम मुझे चूमते क्यों नहीं हालांकि काव्या ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और बिस्तर छोड़ने वाली थी फिर भी लेंग शाउटिंग ने उसे पीछे खींच लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर पर दबाव डाला आप क्या कर रहे हैं काव्या ने घरा कर उसकी ओर देखा चलो सुबह कुछ व्यायाम करते हैं लेंग शाउटिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा नहीं मेरी दुकान आज खुलने वाली है और मुझे आज सुबह वहां पहुंचना होगा काव्या ने उसके नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया मुझे पता है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा लेंग शाउटिंग ने कहा और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे चुमा काव्या इसे रोक नहीं सकी और उसके चूमने और छूने का आनंद लेने लगी लेंग शाउटिंग के उसमें प्रवेश करने से पहले फोर्प्ले आज थोड़े समय के लिए ही चला एक दर्जन मिनट के बाद लेंग शूटिंग बंद हो गई आज नहाते वक्त उसने काव्या को गले लगा लिया वह जानता था कि वह आज व्यस्त होगी इसलिए वह उसके साथ दोबारा व्यायाम नहीं करेगा ताज़े कपड़े पहनने के बाद वे एक साथ घर से निकले जब वे पहुंचे तो लगभग सुबह के नौ बजकर तीस मिनट बज रहे थे थोड़ी देर बाद जू जिनचेन काव्या को बधाई देने के लिए फूल लेकर आए बधाई हो जू जिनचेन ने काव्या से कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद काव्या ने उससे फूल ले लिए बाद में शिन बे भी फूल लेकर आई दरवाजे पर कई बेहद खूबसूरत सेक्सी मर्दों को खड़े देखकर कई महिलाओं ने चलना बंद कर दिया वाह वे बहुत सुंदर हैं। उनके शरीर को देखो क्या वे मॉडल हैं उनको करना चाहिए वे अभिनेता भी हो सकते हैं अगर वे अभिनेता होते तो अनगिनत महिलाएं उन्हें देखकर दंग रह जाती उन्होंने चर्चा की और उनकी कई तस्वीरें लीं